नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरा पर हैं। बिहार में उन्हें 2 रैलियों को संबोधित करना था, इसमें से एक नवादा में और दूसरा सासाराम में होनी थी। सासाराम में जारी हिंसा के कारण अमित शाह के वहां कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम में फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। अमित शाह के कार्यक्रम में क्या बदलाव किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। बिहार में उन्हें 2 रैलियों को संबोधित करना था, इसमें से एक नवादा में और दूसरी सासाराम में होनी थी। सासाराम में जारी हिंसा के कारण अमित शाह के वहाँ से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि उनके कार्यक्रम में फिर से बदलाव किया गया है। अमित शाह पटना के SSB मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बता दें कि पटना में दीघा में SSB का मुख्यालय में सुबह 11 बजे अमित शाह पहुंचने वाले थे। वहां मुख्यालय के भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास उनके हाथों से होना था। इसके साथ ही गृह मंत्री वहाँ SSB के नए 9 प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले थे। हालांकि उनका कार्यक्रम रद्द होने के कारण को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह जिस जगह पर भूमि पूजन करने वाले हैं, वहां भूमि अधिग्रहण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के कई बड़ी नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा समेत कई भाजपा नेताओं ने शॉल उड़ाकर और फूल देकर अमित शाह का स्वागत किया। वहां से केंद्रीय मंत्री एक होटल में गए, जहां रात्रि में उन्होंने विश्राम किया। रात में मिशन बिहार और खासकर लोकसभा चुनाव में टारगेट 36 को लेकर अमित शाह ने बिहार के नेताओं के साथ प्लान किया। मिलने वाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजमोहन सिंह भी शामिल थे। दौरे पर अमित शाह नवादा जाने वाले हैं। नवादा में उनकी रैली है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं। इसी के तहत नवादा में शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र बताएंगे। अमित शाह भाजपा के बिहार प्रदेश कार्यालय में जाएंगे। वहां कोर कमेटी की बैठक में बिहार में भाजपा की सत्ता की वापसी को लेकर मंत्रणा करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।